गिरिडीह में नाबालिग हिंदू छात्रा से गैंगरेप। नाबालिग संग दुष्कर्म के बाद हत्या। भाजपा सहित अन्य हिंदू संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च। लोगों की मांग, बेटी को मिले इंसाफ तो दरिंदों को मिले फांसी। बीते 29 मई को गिरिडीह जिला के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत वेदा पहरी गांव में एक खास समुदाय के 3 दरिंदों जो एक नाबालिग छात्र के साथ जो किया वो वास्तव में समाज को अस्वीकार्य है। इस घटना मुख्य भूमिका निभाने वाले दरिंदा मोहम्मद कैफ उसी विद्यालय में पढ़ता था जिसमें ये नाबालिग छात्रा पढ़ती थी। मोहम्मद कैफ ने पहले अपना नाम बदलकर नाबालिग छात्रा से दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसाना शुरू ही किया था कि उस नाबालिग छात्रा को ही पता चल गया कि वो खास समुदाय से है। छात्रा ने उससे दूरी बनाना शुरू किया, परंतु मोहम्मद कैफ छात्रा को तरह तरह की धमकियां देने लगा। इसी बीच तंग आकर उसने अपनी माँ को घटना के एक दिन पहले यानी बीते शनिवार को सारा वृतांत सुनाया। नाबालिग से गंदी हरकतें करने का प्रयास करता था कैफ। कैफ के साथी आशिक और फारूक छात्रा को देते थे धमकी। नाबालिग अनुराधा ने अपनी माता को बताया कि मोहम्मद कैफ हमेशा उससे बुरी और गंदी हरकतें करने का प्रयास करता है जिसमें उसके 2 अन्य दोस्त मोहम्मद आशिक और फारूक भी साथ देते हैं और धमकी भी देता है। मृतिका की माता के अनुसार शनिवार को बेटी ने सारी बात बताई, लेकिन विश्वास नहीं होता है कि ये तीनों दरिंदे घर पहुंचकर दादी के साथ सोई उसकी बेटी को अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म कर उसे कुएं में फेंक देगा। उसी की 2 दिन के पहले वो बताई थी हमको, 2 दिन मतलब सोमवार को उसका सब घटना मतलब घटना हुआ, ठीक है, और शनिवार को 2 बजे के करीब वो बताई होगी हमको जो कि ऐसे ऐसे हो गए, तो 3 लड़का है तो चेटिंग भी करता है, बात भी करता है, धमकी भी देता है जो कि हमसे बात नहीं करेगी, हम जो कहेंगे वो नहीं सुनेगी, तो हम जहाँ भी रहेगी वहाँ से उठा के ले आएंगे। बेटी बोल रही थी तब तक हमारी एक पत्नी लगेगी, पुतोह लगेगी, वो लोग भी आ गई मुझे, तो हम थोड़ा गार्जियन है थोड़ा मतलब इसी मिजाज में बोले जी पहले क्यों नहीं तुम सुनाई, आज जो सुना रही है तो लोग बोली कई मतलब पेट्रोल की बोल, तब जो हम बोले जे इसने इसने बात है सो उनको बेटी बोल रही है मुझे, अच्छा एक दो दिन समाज के डर से एक दो दिन अच्छा वो जो देख लेते हैं उसके बाद हम लोग समाज में ये बात को रखेंगे और हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। तब तक तो ये घटना घटित हो गई। आशिक अंसारी और फारूक अंसारी कार्य रहती तब तो पहले कुछ एक्शन ले चुके हैं, उसको धमकी मिला होगा जो कि वो हमको बताई, लेकिन हम इतना नहीं जान रहे थे कि इतना बात कौन जानता है, गांव से उठा के किसी की बेटी को उठा के कोई ले जाएगा सो, अगर बातचीत भी होगी तो मोबाइल से होगी, जैसे भी होगी बाहर बाहर होगी। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई वैसे फांसी की सजा होने चाहिए, आप लोग आज 5 दिन हो गया है हम कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। मामला है लड़की नाबालिग थी, उसको शोषण करने के लिए जा करके साइकिल छुपाने के लिए कुएं में फेंक दिया गया। हम इतने जानते हैं कि जो ई कुकर्म किया है उसको सजा होनी चाहिए। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। भाजपा सहित कई हिंदू संगठनों निकाल रहे कैंडल मार्च। इस घटना ने इस क्षेत्र में तनाव का माहौल उत्पन्न कर दिया है, वही सामाजिक ताना बाना को भी खतरे में डाल दिया है। वही भाजपा समेत कई हिंदू संगठनों ने इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो वही भाजपा की जिला इकाई के नेता द्वारा गिरिडीह SP से मिलकर इस घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने का मांग कर रहे हैं। तमाम साथियों, आज ये 28 तारीख की रात की घटना है और 29 तारीख को मॉर्निंग में इन 3 दरिंदों ने जो अफजल नाम है,
सैफ है, सैफ है और तीन लड़का है जो साजिद। ये तीनों लड़का मिलकर के मिथिलेश सिंह की बच्ची जो भरकट्टा के बैदा पहरी के निवासी है, उनके बच्ची को उठा कर ले जाना और उनके साथ गलत संबंध करना और उसको कुआं में डाल देना। इत्तेफाक से लोग पहुंचे और वो जीवित अवस्था में कुआं से निकाल कर उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इन तीनों दरिंदों ने इनके साथ बलात्कार किया। क्या ये हमारा सनातनी धर्म यही कहता है कि हमारे साथ बलात्कार होता चला जाए और हम मुख दर्शक बनकर बैठे रहें? ये कहाँ का नियम है? हम वर्ग विभेद में बटे हुए हैं, हम समाज की बात नहीं करते हैं, हम वर्ग की बात करते हैं। इसीलिए हम कई वर्गों में बटे हुए हैं जिसके चलते हमें एकता की भावना नहीं आती है। और वो जिहाद करता इसलिए है कि वह एक समाज के तरफ से वो आता है, इसलिए समाज की बात करता है और समाज में घिरता है। हम लोग आपस में लड़ करके इधर उधर बटे हुए रहते हैं। इसलिए मैं तमाम बगोदर नहीं पूरे भारतवर्षियों के हिंदू समाज के तमाम साथियों से मैं अपील करूंगा, बुजुर्गों से अपील करूंगा, माताओं से अपील करूंगा, बहनों से अपील करूंगा और तमाम हिंदू वासियों को मैं निवेदन करता हूं, आप सजग हो जाओ, आप जाग जाओ, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है और लगातार आपके साथ कुठाराघात हो रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप एकता के सूत्र में बंधे और जो वैसे तत्व हैं उन पर हम लोग अंकुश लगावें। और हमारी प्रशासन से मांग है कि इन तीनों दरिंदों को अविलंब गिरफ्तार करो और इन लोगों को फांसी के तख्ते में लटकाओ, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी हमारा सनातन धर्म कुछ करने को तैयार होगा जिसका सारा जिम्मेवारी आगे गिरिडीह जिला के प्रशासन की होगी। यही हमारा अपील है, यही हमारा निवेदन है। पुलिस पर भाजपा समेत अन्य हिंदू संगठनों का भारी दबाव। बताते चले कि हिंदू संगठनों के भारी दबाव को देखते हुए पुलिस भी भारी दबाव में है और दो अन्य आरोपियों की खोज हेतु जगह जगह पुलिस की टीम झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में निकल चुकी है, लेकिन पुलिस को फिलहाल इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिली है। वहीं इस घटना का मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, परंतु पुलिस के पास अत्यधिक जानकारी नहीं रहने व घटना के तह तक जाने के लिए उसे रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर चुकी है, परंतु पुलिस मीडिया से दूरी बनाई हुई है और ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बताने से पुलिस फिलहाल इनकार कर रही है। के साथ ऐसा हुआ है, पुलिस ने तत्परता से अनुसंधान प्रारंभ किया और इसमें जो एक नेम्ड अभियुक्त था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अन्य बिंदुओं पे इसमें अनुसंधान चल रही है, इसमें कुछ और लोगों के बारे में बताया गया, उनकी संलिप्तता के बिंदु पे भी गहन छानबीन हो रही है। और ऐसा एक नाबालिग बच्ची के होना के साथ होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस तत्परता से इसमें अनुसंधान कर रही है और विभिन्न बिंदु जो टेक्निकल साक्ष्य होते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होता है, वो सब अभी आना बाकी है, वो आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। इधर मृतिका के माता पिता समेत परिजन जल्द से जल्द उसकी बेटी को मौत की नींद सुलाने वाले तीनों दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इस घटना में नाबालिग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अभी भी हिंदू संगठनों द्वारा जगह जगह कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले पर राजनीतिक दलों ने किया मौन धारण। अब देखना होगा कि पुलिस इस घटना में शामिल आरोपियों को दबोचने में कब सफल हो पाती है और इस बेटी की आत्मा की शांति व इंसाफ के लिए कब और क्या सजा मिलती है। परंतु जिस तरह से स्थानीय पुलिस और गिरिडीह एसपी द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है, उससे लगता है कि दो अन्य आरोपियों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करने में सफल होगी। लोगों के अनुसार वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस, भाकपा माले, आरजेडी, जनता दल समेत कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर मौन धारण की हुई हैं। देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ना ही इस घटना को लेकर निंदा कर रही हैं और ना ही समर्थन। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट।